काफ़ी प्यारा लग रहा है भाई, देख सकते हो इस, काफ़ी खूबसूरत काफ़ी खूबसूरत, साथ में मेरा बीस्ट भी बॉय। वेल हेलो गाइस, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। दिस इज स्नेक शॉन और आप देख रहे हैं निकल ब्लॉग। इस बार ब्लॉग डायरेक्ट मोटो ब्लॉग से स्टार्ट कर रहा हूँ। और एक्चुअली बहुत दिनों से मुझे एक जगह जाने का बहुत ही मन है, तो मन कर रहा था, अब तो जा रहा हूँ। तो उसी जगह मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और उसी जगह अभी फिलहाल जाने के लिए निकल गया हूँ गाइस। और उस जगह का नाम है चतला लेक। चतला लेक जाने वाला हूँ मैं। तो मेन रोड से जाऊंगा तो भाई साहब बहुत ट्रैफिक जम रह जाएगा, तो यहाँ से राइट ले लेता हूँ और राइट लेके बाईपास होके निकल जाता है। तो लेफ्ट और लेफ्ट लेके जाऊंगा मेरा डेस्टिनेशन का। ये अभी मैं पहुंच गया हूँ काटोल रोड और यहाँ से मुझे लेना है राइट, और राइट लेके ये वो जाऊंगा जो रोड से आया वो जेंटली बात जो रोड है उसकी रोड है भगतपुर वाला रोड से चेंगुरी का पेट्रोल पंप जो है आपको भाजपा ही है। तो ये ऊपर वही है किशन का बाईपास, तो राइट साइड से आए विकी और लेफ्ट साइड से डायरेक्ट सुनाबड़ी घाट तक जाएंगे, मतलब जा सकते हो आप लोग ये रोड। तो अभी मैं तो आगे जाके लेफ्ट साइड का जो रोड है वहाँ से मैं बाईपास तक चेक जाऊँगा, तो ये लेफ्ट से बाईपास कर देंगे ठीक है। चलो और साइड का तो पूरा पानी निकल गया भाई, ये कमी नहीं रहा है। और भी दिखाऊंगा एक तो राइट हर जगह पर पानी पानी। ये जो पॉइंट है यहाँ से अगर लेफ्ट जाऊँगा तो मैं मेडिकल कॉलेज की रोड जा सकता हूँ, और अभी मैं जाऊँगा राइट यूनिवर्सिटी का रोड से और सीधा तो भाई साहब सोनावरी घाट। तो यहाँ से अभी मुझे लेना है राइट सीधा का जाने के बाद राइट साइड से NIT जो है वही मिल जाएगा मुझे। तो NIT का रोड नहीं पकूँगा, सीधा ही जाऊँगा आसाम यूनिवर्सिटी का रोड से ही सामने के पास। यहाँ से अगर मैं राइट लूंगा तो सामने है NIT और फिलहाल तो मैं सीधा जाता हूँ, क्योंकि इस टाइम यहाँ पर मोमो भाई का बहुत जबरदस्त टेस्टी वाला मोमो मिलता है। काफी मजा आ रहा है ये सब प्ले व्यू, ये सब प्ले व्यू देखने को वही क्या ही बताऊं मैं, वो बड़ा मजा आ रहा है ये सब प्ले व्यू देख के गाइस। गुड एक्सप्रेस भी है बाइक वगैरह ऊपर ले सब व्यू तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ बीच को ऊपर ले जा सकूंगा कि नहीं, वैसे तो भाई बड़ा मजा आ रहा है भाई। ओ टीचर यहाँ पर तो पानी भी है, सोच रहा हूँ मेरा बीस्ट ऊपर जाएगा कि नहीं भाई, अलग सा ही लेवल है भाई। हाँ वहाँ पर एक छोटा मोटा रास्ता है, वहाँ से देखेंगे कि ऊपर चढ़ता है कि नहीं ठीक है। चलो भाई बड़ा मजा आ रहा है भाई आज। सोच रहा हूँ अगर घुस जाएगा अंदर तो भाई क्या होगा मेरा। तो फाइनली भाई बड़ा मजा आ रहा है,
कहाँ पे चलूँ, यहाँ पे चल जाता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, बड़ा मजा आ रहा है भाई साहब। गिर गया रे। मजा आ रहा था लेकिन भाई मूड ऑफ हो गया, देख सकते हो यहाँ से आया था और यहाँ पूरा ऊपर आके ही बेस्ट गिर गया। तो गाइस ऊपर चढ़ने का टाइम गिर गया था और मैं मुझसे अकेला तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये भाई आए थे, हेल्प किया मुझे। उसका भी एक चैनल है फेंटा ब्लॉग्स ऑफिशियल, गाइस जरूर सब्सक्राइब करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पर मेरा विस्ट देख सकते हो पूरा प्लेट्यू के ऊपर चढ़ गया है। ऑफ बोलूँ या कुछ बोलूँ वही कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एडवेंचर किया भाई, काफ़ी मस्त लगा ये एडवेंचर, बढ़िया लगा मुझे। कौन खोजी भाई? मेडिकल जाए, फोरेंसिक को वीडियो शूट है सर। मेडिकल वो लैपटॉप है, एडिटिंग सेटिंग हमारा चैनल एडिटिंग कोई नहीं, चैनल एडिटिंग तुमने क्या नाम है आपका इंस्टा का? राइडर अंडरस्टूड निक्शन, तो मैं ले लूंगा। हाँ। बीस्ट को लेके यहाँ से नहीं जाऊँगा भाई, घूम के जाऊँगा। वहाँ पर मैंने एक छोटा मोटा रोड दिखा है तो वो घूम के जाऊँगा, यहाँ से अभी नहीं जाने वाला हूँ भाई। फिर से घिरूँगा तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। चलो अच्छा हुआ, बड़ा कुछ नहीं हुआ। और राइड पर तो ऐसा छोटा मोटा सीन तो होता ही रहता है भाई। चलो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मज़ा आया लेकिन। और वो शकीब भाई ने हेल्प किया, वही कुछ बात है भाई, इसलिए बारिश दिया था ना और रोड पूरा स्लिपरी होके रखा है, वही कुछ बात है भाई। अच्छा करता हूँ कि आराम से जा पाऊँ, ये तो काफ़ी रिक्सी हो गया रे।
और मेरा बीस भी इतना हैवी है क्या ही बताऊँ। धीरे धीरे जाना पड़ेगा भाई, राइट साइड से तो जगह ही नहीं है, सॉरी लेफ्ट साइड से पैर रखने के लिए। भगवान बचा लेना मुझे। अरे भाई लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। अरे भाई मत लग नहीं लगा, काफ़ी रिस्क ले लिया भाई मैंने, नहीं लेना चाहिए था। तो जिनको राइडिंग स्किल अच्छे से नहीं आता है भाई, ये सब रास्ते पे रिस्क मत लिया करो। मैं गिर गया था क्योंकि वो स्लीपर ही था, और यहाँ इस रास्ते पे तो लेफ्ट राइट का तो पैर रखने का भी जगह नहीं है भाई। अरे पीछे स्पीड हो रहा है, काश मेरे साथ कोई होता तो अच्छा रहता, मैंने नहीं अकेला आ गया था इसी रूट पर एक ब्लॉग शूट करने के लिए। बढ़िया, अभी कहाँ से जाओ भाई। अभी तो दिक्कत हो गया ना, तो ये सिर्फ ये ऊपर का रोड क्रॉस करने से ही भाई जा पाऊँगा। कोई बात नहीं, आ गया तो भाई रिक्स तो लेना ही है, यहाँ से जाता हूँ। डर ही जाता हूँ भाई, डर भी लग रहा है। पीछे का पहिया ठीक से जा रहा है कि नहीं भाई, बैठ जाता हूँ वरना बैलेंस करने में दिक्कत होगा। अभी स्टार्ट दे देता हूँ। खरा लगा है ग्राउंड प्लेयर, बच गया भाई, बच गया ना मैं भाई, इतना डर लग रहा था भाई क्या बताऊँ मैं। अभी ये क्रॉस करना है, अरे भाई इतना रिक्सी जगह, एक नंबर गियर पे लगा दिया। ये क्रॉस करना है भाई, थोड़ा बहुत वाटर क्रॉसिंग, गाड़ी को जाने दे देता हूँ और इसके बाद क्रॉस करता हूँ। बच गया भाई, ऊंचाई से उतरने का टाइम फट गया था मेरा एकदम। चलो शुरुआत करते हैं और चलते मेरे चलता था मैं भी, और ये फुल टायरिंग बाइक है, कहाँ से भैया जा रहा है वही भी समझ में नहीं आ रहा था। गाइस ये है एक्चुअली शिलपुरी, और शिलपुरी का आश्रम ये है, यहाँ श्री राम मंदिर, श्री श्री हनुमान मंदिर, और ये क्या है, हाँ श्री श्री बरम बाबा का मंदिर। तो ये मंदिर के बारे में मैं बता रहा था, सॉरी गाइस गलती हो गया, भूल गया था, बहुत दिनों के बाद आया हूँ ना इसी कारण। तो ये बरम बाबा का मंदिर है, कोई कोई आश्रम भी कह देता था, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो गया। तो चलो अच्छा, लेक पर चलते हैं।
भाई। चतला लेक कौन जगह? चतला लेक, चतला लेक कमन दूर? एक दो किलोमीटर और दूर। राइट साइड है ना लेफ्ट साइड है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड है। थैंक यू। और आगे जाना है भाई, आज जाके ही रहूँगी मैं चतला लेक, चाहे कुछ भी हो जाए चतला लेक जाना है तो जाना ही। तो ये बाबासीर वाला रोड अभी मिल गया है मुझे, थोड़ा बहुत बाबासीर है उसमें। तो ये बाबासीर क्रॉस करने के बाद जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बाबासीर वाला रोड क्रॉस कर दिया है। चतला लेक कौन जगह? सामने गया। सीधा जाके राइट साइड भाई, थोड़ा जाके देखते हैं। किससे पूछूं, किससे पूछूं, किससे पूछूं, किससे पूछूं, 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 पूछूं। तो ये कौन सा मार्केट है भाई, मुझे नहीं पता मार्केट का नाम क्या है, वो भी तो नहीं पता भाई। यहाँ रोड इधर, ये रोड होगा शायद, पूछ लेता हूँ। चतला लेक कौन जगह? चतला लेक कमन दूर? 3 किलोमीटर जाओगे? 3 किलोमीटर। तो इस मार्केट से अभी राइट लिया हूँ और राइट लेके सीधे ही जा रहा हूँ भाई। पहुंच गए हो क्या भाई? पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा, ये छोटा मोटा सा एक आइलैंड देख सकते हो गाइस, अगर बोट होता तो मैं वहां पर जरूर जाता। यहां पर तो एक भी बोट नजर नहीं आ रहा है, चलो तो सामने। हाँ अच्छा, बोट तो है भाई लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है। उस आइलैंड पर जाना था रे भाई। काफ़ी प्यारा लग रहा है भाई, काफ़ी प्यारा, मज़ा आ रहा है ये सब। तो वहाँ पर नाव चल रहा है, माइक वहाँ पर रख देते हैं। है ना, ना देखता हूँ गली। काफी मजा आ रहा है भाई यहाँ पर। तो ये है चतला लेक, और लेक देख सकते हो क्या है, बहुत दूर दूर तक नाव चल रहा है, ठीक है। और आसपास तो पूरा लेक से भरा हुआ है, पानी हो गया है पूरा। तो फाइनली गाइस आई हैव रीच्ड चतला लेक, काफी मजा आ रहा है, काफी प्यारा लग रहा है भाई, देख सकते हो इस, काफी खूबसूरत, काफी खूबसूरत। साथ में मेरा बीस्ट भी भाई, बढ़िया लग रहा है एकदम। सो गाइस फाइनली अभी पीछे पूरा हुआ है यहाँ आने का, और
बहुत दिनों से मन था, मैंने विक्रम दा को एक बार कहा था कि यहाँ आना है, तो उसका भी टाइम नहीं मिलता है, मेरा भी टाइम नहीं मिलता है, तो आज मौका मिला है और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, तो इसी कारण मैं निकल गया। और मेरा बिस्ट लेके आने का वक्त एक प्लेट्यू मिला था भाई, सोचा उस प्लेट्यू के ऊपर बाइक मेरा बिस्ट का कुछ सिनेमेटिक लूँगा, लेकिन ऊँचाई चढ़ने का टाइम ही गिर गया, स्लिप हो रहा था एक्चुअली, तो वही कुछ बातें। और देख सकते हो भाई काफ़ी बढ़िया, एक्चुअली ये जो बीच पे देख रहे हो ग्रास, तो ये एक्चुअली रोड है, मेन रोड है, मेन रोड छोटा वाला गांव का रोड है, वो उसी रोड से उस तरफ जो घर है, दिखाता हूँ जूम करके, उस तरफ जो घर है वहाँ पर जाने का ये रोड है, ठीक है। और ये देख सकते हो नाव भी चल रहा है भाई, काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में, काफ़ी मज़ा, काफ़ी मज़ा। और ये भाई साहब देख रहे हो अभी नाव चल रहे है, तो ये अंकल लोग भी मेरे ब्लॉग में एंजॉय कर रहे हैं, और क्या बताऊँ मैं भाई, मन कर रहा है तो 20 को नीचे उतारूँ, ठीक है। काफ़ी मज़ा, काफ़ी मज़ा भाई, तो गाइस बड़ा मज़ा आ रहा है, मेरा खुद का बीस्ट लेके मैं चतला लेक पर आया हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है, और अभी ज़्यादा टाइम ही नहीं है मेरे पास, फिर से काम पर जाना है, तो इस बार नाव पर नहीं चढ़ने वाला हूँ मैं, ठीक है। कभी और एक बार टाइम और मौका मिले तो मैं फिर से आऊँगा, और तब शायद मेरे साथ और भी लोग होंगे मेरे, तो एक ही साथ आइलैंड, वहाँ पर एक जो छोटा सा आइलैंड दिखा था वही आइलैंड घूमेंगे और पूरा नाव भी चलेंगे, ठीक है। तो फटाफट से अभी यहाँ से चलता हूँ, चलो।